फ्रेंड्स, ये है साल 2018 का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग फ्लैगशिप का सेवेंथ एडिशन वन प्लस 5T। आज करेंगे इस फोन का टियर डाउन एंड जानेंगे इस फोन को अंदर से। तो कर लेते हैं इस हैंडसेट को स्विच ऑफ, फिर निकाल लेंगे दो T2 स्क्रूज, बट उससे पहले निकाल लेंगे ये सिम ट्रे। सारे टूल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यहाँ ध्यान रखें, इस मॉडल का बैक पैनल बहुत ही फिट है। सिंस मेरे पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, सो पैनल लूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा मेडिसिन स्ट्रिप का, एंड मैं प्लेस कर दूंगा इस गैप के बीच में एंड स्लाइड करते रहूँगा। फिर सेम ट्रिक यूज़ करूँगा दूसरे साइड पर भी एंड स्लाइड करते रहूँगा जब तक इसका पैनल अनलॉक ना हो जाए। फिर आप देख सकते हैं ये पैनल बाहर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दो रिबन केबल कनेक्शन। जो ऑरेंज रिबन केबल कनेक्शन है वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए, एंड जो ब्लैक कलर का है वो है चार्जिंग पोर्ट के लिए। पहले निकाल लेते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लेते हैं ये रिबन केबल का स्टील कवरिंग। ब्लैक रिबन केबल निकालने के बाद बाहर आ जाएगा ये बैक पैनल। ये रहा फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये रहा साउंड प्रोफाइल बटन, ये रहा चार्जिंग पोर्ट, एंड ये रहा हेडफोन जैक। फिर निकाल लेंगे ये बैटरी कनेक्शन, फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लेते हैं ये रिबन केबल का स्टील कवरिंग, और आखिर में ये दो रिबन केबल। फिर निकाल लेते हैं ये छह फिलिप हेड स्क्रूज, एंड अब बाहर आ जाएगा ये रेयर स्पीकर, एंड ये रहा उसका कॉन्टैक्ट पैड्स। एंड अब निकाल लेते हैं ये रिबन केबल जो वाइब्रेटर एंड स्पीकर को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है, एंड अब पुल टैब की मदद से बाहर निकाल लेंगे ये बैटरी, एंड इसको फ्रेम से अलग कर देंगे। ये है 3300 mAh कैपेसिटी की बैटरी। एंड अब निकाल लेते हैं 9 फिलिप हेड स्क्रूज, एंड ये सिग्नल केबल। इसके बाद बाहर आ जाएगा इसका मदरबोर्ड। वन प्लस 5T में मिलता है आपको डुअल कैमरा 16+20 MP का एक्सपीरियंस, बट इन दोनों कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, वाइड एंगल एंड टेलीफोटो लेंसेस नहीं है। इसमें मिलेगा सिर्फ आपको ये पोर्ट्रेट मोड। ये रहा LED फ्लैश, ये रहा 16 MP फ्रंट कैमरा विदाउट OIS, ये रहा स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टाकोर 2.45 GHz प्रोसेसर, ये रहा चार्जिंग पोर्ट कनेक्टर, ये रहा बैटरी कनेक्शन, ये रहा स्क्रीन कनेक्टर, ये रहा वाइब्रेटर एंड स्पीकर कनेक्टर, ये रहा फिंगरप्रिंट स्कैनर कनेक्टर। एंड अब चलते हैं स्क्रीन पर। ये रहा फ्रंट स्पीकर, ये रहा ग्राउंडिंग कॉन्टैक्ट पैड्स, ये रहा इसका सिग्नल केबल, ये रहा इसका सर्कुलर वाइब्रेटर, एंड ये रहा मेन स्क्रीन रिबन केबल। ये कनेक्ट होता है मिडल रिबन केबल से, जस्ट लाइक अ फ्लेक्स बॉक्स या एक्सटेंशन बोर्ड की तरह मदरबोर्ड पर। ये है 1080x2160 pixels AMOLED फुल HD डिस्प्ले। एंड अब रीअसेंबल पर प्लेस कर देते हैं इसका मदरबोर्ड, फिर ये सिग्नल केबल, एंड ये 9 फिलिप हेड स्क्रूज। फिर वापस प्लेस कर देते हैं इसकी बैटरी। ये सबसे अच्छी बात है कि बैटरी इजीली रिमूवेबल है, ज़्यादा एडहेसिव होने से एक्सचेंज करने के टाइम बैटरी पंक्चर हो सकता है। अब लगा लेते हैं ये रिबन केबल। यहाँ ध्यान रखें, अप एरो का मतलब ये साइड आपको मदरबोर्ड के यहाँ पे लगाना है। फिर लगा लेंगे इसका रेयर स्पीकर एंड 6 फिलिप हेड स्क्रूज, एंड फिर लगा लेते हैं सारे रिबन केबल्स। पहले स्क्रीन का, फिर स्पीकर एंड वाइब्रेटर का, एंड फिर लगा लेते हैं ये बैटरी, एंड ये रिबन केबल स्टील कवरिंग अपनी जगह पर वापस लगा लेंगे। फिर लगा लेंगे चार्जिंग रिबन केबल, एंड ये रिबन केबल स्टील कवरिंग अपनी जगह पर वापस लगा लेंगे।
एंड लास्ट में फिंगरप्रिंट स्कैनर रिबन केबल। एंड अब कर देते हैं बैक पैनल को प्लेस एंड लॉक कर देंगे फ्रंट पैनल के साथ। फिर दो T2 स्क्रूज लगाकर कंप्लीट कर देते हैं ये टियर डाउन वीडियो एंड कर लेते हैं इसका पावर ऑन। एंड यस, ये टियर डाउन वीडियो सक्सेसफुल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।